بالعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو فإنهم ظالمون तजलियात नबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तयबा के मौजू पर एक अहम किताब जो तलबा को सामने रखते हुए मरतब की गई इस किताब को जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी ही बार हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत में इजाफ़ा महसूस होता है और ख़ुद अपनी ज़िंदगी में सीरत की रोशनी में झांकने का मौका मिलता है कि हमारी ज़िंदगी ख़ास तौर से एक दाई की ज़िंदगी जो दावत व तबलीग का काम करते हैं किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है और हमें उन मराहिल में पेश आने वाली दुश्वारियों के मौके पर क्या करना चाहिए नबी की ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें आ चुकी और हमें महसूस होता है कि इस मौके पर हमें ये काम करना चाहिए ताकि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत की ज़िंदगी में परेशानी और रुकावट को दूर करके आगे बढ़ कर के दावत तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया वैसे हमारे सामने भी रुकावटें आती हैं परेशानियाँ आती हैं तंजी भी किया जाता है मज़ाक भी उड़ाया जाता है तो हम कैसे आगे बढ़ें नबी करीम सम की ज़िंदगी में अल्ल रबालमीन ने वह नमूना रखा है आप लोग का तहदिल से खैर मक़दम है खुशी की बात है कि हमें अल्लाह रबालमीन ने इकट्ठा फरमाया कि हम कुछ सीखें और सिखाएँ एक दूसरे से फ़ायदा उठाएँ उम्मीद है कि इन इस मौके को हम गनीमत जानेंगे और वक्त को ज़ाय किए बगैर मुकम्मल तौर से उसे इस्ता में बदलने की कोशिश करेंगे इनशा इस किताब को पढ़ते हुए हमारी जो तरतीब रही है हम और ख़ुद हमारे साथी जो हमारे सामने बैठते हैं हमने एक तरतीब बनाया था कि पंद्रह दिन के बाद जब हमारी मुलाकात होगी तो पच्चीस सफात पढ़ करके हम आएंगे और उन्हीं पच्चीस सफात में से चंद वाक़ात की रोशनी में दर्श होगा उससे इबरत और नसीहत की जो बातें होंगी वह वजस करने की कोशिश की जाएगी अलहमदिल्ला इस तरह करते करते हम गज्वः वद तक पहुँच चुके हैं गजवा आप जानते हैं कि इस्लामी तारीख का एक अहम मोड़ है कि यहाँ से किस तरीके से इस्लामी तारीख़ में तब्दीली आती है बदलाव आता है उतार चढ़ाव आता है इस गजवे के बारे में उमूमी तौर पर लोग जो, जो बातें जानते हैं तकरीबन बहुत सारे मुसलमान इसको पढ़े हैं सुने हैं कि इसमें नबी करीम वसल्लम के दांत शहीद हुए आपको चोटें आईं तकलीफ़ें उठानी पड़ी सत्तर साहब नाम शहीद कर दिए गए वगैरह वग़ैरह ये सच है इसका इनकार नहीं कल ही गुफ्तु जो हुई है उसका ख़ुलासा यही है कि गजो बहुत दो हिस्से में बटा हुआ है पहला हिस्सा ऐसा है जिसमें मुसलमान फतह याब है जीता हुआ है और दूसरा हिस्सा ऐसा है जहाँ मुसलमानों को नुकसान और खसारा उठाना पड़ा है और जिसमें बहुत सारे नुकसान थे उनमें से एक अहम नुकसान ये भी था कि हज़रत हमज़र ला तों की की शहादत भी थी जिनको सैदुलशा कहा गया तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने इन शे गुज़र चुकी हैं अब हम कोशिश करेंगे कि इस गजवे से हमें क्या इबरत की बातें मालूम होती हमें क्या सीख मिलती है क्या पैगाम मिलता है तो इस तौर पर मैं जिन बातों को नोट कर सका और कल एक बात मैंने और की शायद आपको याद हो कि इस गज़े को समझने के लिए आप एक बार किताब पढ़ लीजिए उसके बाद शुर इमरान की आयत नंबर 120 से लेकर के 175 तक 120 122 से लेकर 20 से लेकर के 175 तक ये 55 आयत पढ़िए तो ऐसा लगता है कि हम उस ग़वे के दरमियान घूम रहे हैं और साहब कराम पर जो हालात तारी हुए थे जो मराहिल उनके सामने पेश आए थे अल्लाह रबुआम Al उसका हल कैसे कैसे बचा रहा है अगर उनको चोटें पहुँची हैं तो कैसे तसली दे रहा है उनके गम को कैसे हल्का कर रहा है कहाँ उनको उकसा रहा है उभार रहा है ललकार रहा है ये तमाम चीज़ें कुरान करीम पढ़िए सॉरेमरान के आयत नंबर 120 से लेकर के आयत नंबर 175 तो तक तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम खुल करके हमारे सामने आती है तो वह गुजारिश करूँगा तमाम भाइयों से कि एक बार गवा किताब में देख के पढ़ लीजिए वाक़ात आपके सामने होंगे और दूसरी मरतबा सूरतमरान की आयत नंबर 120 से लेकर के आयत नंबर 175 तक पढ़िए मैंने जिन बातों को नोट किया है बतौर नसीहत तो, उनमें से एक अहम बात ये कि इस गजवे के दरिया से अल्लाह ने एक पैगाम दिया पैगाम क्या दिया कि मुख्तार कुल सिर्फ़ अल्लाह रब्लमीन है उसके अलावा कोई और नहीं पत शिकस्त नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ़ अल्लाह रब्लमीन है उसके अलावा कोई और नहीं हती कि कि किसी को हिदायत देना और किसी को हिदायत न देना ये इख्तियार भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सिर्फ़ल्ला रबालमीन को है किसी और को नहीं कहाँ से हमने ये बात ली है एक तो पूरा वाक़ हमारे सामने है कि मनबी करील वम मौजूद हैं उसके बावजूद मुसलमानों को नुक़सान उठाना पड़ा ख़ास तौर से सत्तर साहब कराम शहीद हुए और उसमें भी खसूसियत के साथ चचा मोहतरम हजरत हमजर अल्लाह तहों की शहादत अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में फ़तह शिकस्त होती नफ़ा नुकसान होता तो क्या अल्लाह के नबी मुसलमानों को मरने देते शहीद होने देते अपने चचा को शहीद होने देते या कुफ़ार को हंसने का मौका देते नहीं तो ये वाक़ ख़ुद ही बतलाता है कि मुख्तार कुल नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है रब्बुल रबुलआलमीन है क्या नबी वसल्लम को जब चोट पहुंची आपके नाज शहीद हो गए दुश्मनों ने हमला किया आप गिर गए उस वक्त आपने एक जुमला कहा था कहा था कि ऐसी कौमें कैसे हिदायत याब होंगी जो अपने नबी को जख्मी कर देती हैं बात ऐसी थी आज भी लोग ये बात कह देते कि ऐसे लोग कैसे कामयाब हो सकते हैं जो दीनदार लोगों को भी नहीं छोड़ते ऐसे लोग कैसे हिदायत याफ्ता हो सकते हैं वो तो नबी थे नबी अलैहि वसल्लम ने जुमला फरमाया अल्लाह आलमीन ने कहा थे करीमा ना दिल फरमा दे कहातुब लई सल काम रश ए नबी सल वसम आपको कोई इख्तियार नहीं किस बात का कि इनको अल्लाह अज़ाब दे या इनकी तोबा कबूल कर ले फ़ैम हक़ीक़त में उन्होंने किया है उसके बावजूद आपको इख्तियार नहीं बताइए नबी जख्मी है नबी दर्द से करा रहे हैं नबी पर जुल्म हुआ है उन लोगों ने जुल्म किया जिनके हिदायत के लिए आप परेशान थे और एक जुमला निकलता है कि ऐसी कौम कैसे हिदायत याफ्ता हो सकती है जो अपने नबी को जख्मी कर देती अल्लाह को ये बात भी पसंद नहीं आई और ये कह दिया लई सलामर शयन औतुबाफ इन म शुरमरान ही की आयत करीमा है आ, एक रुकू के बाद इंशाल्लाह श मिल जाएगा या पहले रुकू में मिल जाए जो मैंने बताया मुमकिन आयत नंबर एक सौ पच्चीस या छब्बीस हो देख लीजिएगा तो लहीिस काम शो यतुबलोद ये पहला पैगाम हमें मिलता है कि मुख्तार कुल नफ़ा नुसान का मालिक हदायत और जलालत का मालिक जन्नत जहन्नम का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ़ कौन है Allah है उसके अलावा कोई और नहीं हती कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला वसल्लम ने इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है आज जब हम दावत का काम करने जाते हैं या बहुत सारे लोग दावत का काम करने जाते हैं किसी को समझाते हैं और वो बात नहीं मानता तो हम उससे नाराज़ हो जाते हैं हम उससे गु़स्सा हो जाते हैं क्योंकि मैंने क़ुरान की आयत पढ़ के बताया है मैंने हदीस पढ़ के बताया है उसके बावजूद मेरी बात नहीं मान रहा है हम नाराज़ हो जाते हैं यानी हम ये चाहते हैं कि हमारी बात मान ही ले सवाल क्या हमारे बता देने से हिदायत मिल जाएगी नहीं हिदायत का मालिक कौन अल्लाह है हम खूब बताएंगे हमारा काम बताना है लेकिन हिदायत देना हमारा काम जब हमारा काम है ही नहीं तो हम नाराज़ क्यों हों अपना काम करते रहें अपना काम करते रहें जो ज़िम्मेदारी अल्लाह तो मुख्तार कुल अल्लाह रबुलमी है कोई और नहीं उन भाइयों के भी नसीहत है इसमें जो बरेली फिक्र के हैं जो अल्लाह को छोड़ करके बहुत सारे लोगों को मुख्तार कुल या ये कि वो भी कुछ अख्तियार रखते हैं कुछ नफ़ा नुकसान के मालिक हैं इस तरह की बातें करने लगते हैं उनके लिए नबी नसीहत है कि नहीं भाई जब अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम को इख्तियार नहीं दिया गया तो फिर किसी और को भी इख्तियार नहीं ये पहली बात जो बड़ी अहम मुझे महसूस हुई मैंने ज़िक्र किया दूसरी बात जो फ़ैसले होते हैं वो जज्बात में कभी फ़ैसला ना लिया जाए किसी भी अहम मामला में अगर फ़ैसला लेना हो तो जज्बात में आकर के फ़ैसला ना लिया जाए बल्कि बहुत सोच समझ करके फ़ैसला लिया जाए प्यारा नबी जनाब ने जब पता चला कि कुफ़ार मदीना पहुंचने वाले हैं और अनकरीब मुमकिन है वो हमलावर हो जाएं, तो अल्लाह के नबी सक कराम को जमा किया और मशवरा किया कि क्या करना चाहिए इनसे कैसे मुकाबला करना चाहिए वसल्लम नबी अपनी राय रखी और राय ये थी कि हमको मदीना के अंदर रहते हुए ही उनका मुकाबला करना चाहिए अगर हम मदीना के अंदर अपने आप को महसूर कर लेते हैं उसी मदीना के अंदर रह के मुकाबला करते हैं तो कुफ़ार या तो मदीना के बाहर पड़ाव डाले रहेंगे अगर बाहर पड़ाव डाले रहेंगे हमारा कोई नुकसान नहीं हो धीरे से एक दिन जाना ही जाना उनको और अगर मदीना के अंदर हमला करते हैं तो गलियों के अंदर तो मर्द लड़ेंगे और छतों से हमारी औरतें पत्थर बरसा करके उनको दूर रखेंगी ये नबी करीम वसल्लम की राय थी आपका मशवरा था कि मुकाबला ऐसे किया जाए लेकिन चंद साहब कराम जिनके खलूस पर कोई शक नहीं जिनकी नीयतों पर कोई शक नहीं उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के नबी हमें बाहर निकल के मुकाबला करना चाहिए हम तो इसका इंतज़ार कर रहे थे कि वो मौका आए कि कुफ़ार से दो दो हाथ हो जाए हमें शहादत मिल जाए इस तरह के फ़िक्र दूसरे उसमें आई और ख़ास तौर से चंद ऐसे साहब कराम थे जो जंग बदर में शरीक नहीं हो सके थे उनको वो मौका नहीं मिल पाया था अब ये उन... उनको इंतज़ार था कि हमको मौका मिले कुफ़ार से लड़ने का तो हम उनसे जम के मुकाबला करेंगे अब ये ऐसे लोगों की तादाद थोड़ा ज़्यादा हो गई थी और इसरार इनका था कि बाहर ही निकल के लड़ना चाहिए नबी अलैहि वसल्लम का जो मशवरा था बहुत सोच और समझ कर आपने अपनी बात रखी थी उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं उसके नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी नबी अलैहि वसल्लम ने जिक्र कर दिया कि इसका फ़ायदा ये होगा लेकिन जब दूसरे लोगों ने इसरार किया नहीं बाहर निकल के मुकाबला करना है उन लोगों का जो जो राय थी वो जज्बात पर मुश्तमिल थी वो मतलब एक जोश वलवला में थे इसलिए वो मुकाबला करना चाहते थे कि बाहर निकल कर के नबी अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि साहब कराम इस तरीके से तैयार हैं तो आपने कहा ठीक है बाहर ही निकल के हम मुकाबला करेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर गए और मुकम्मल तैयारी की यानी जो जंगी लिबास होता है ज़रा वग़ैरह आपने पहना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर गए तो बाद में बाहर साहब कराम को ये एहसास हुआ कि हम लोगों ने ग़लत किया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि हमको मदीना के अंदर रह के ही मुकाबला करना है तो हमें आपकी बात को मान लेना चाहिए था कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत हो जाए लिहाजा उन लोगों ने ख़ास से सात बिन मदर तैद बिन हुज़ैर लोगों ने कहा कि हमें नबी करीमल वसलम से बात करनी चाहिए थी नबी करीमल वसम जब निकले तैयार होकर के तो इन साहब कराम ने अपने निदामत का इजहार किया कि हम लोगों से शायद गलती हो रही है आपकी जो राय उस पर अमल किया जाए अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नबी का ये मामला होता है कि जब वो जंगी तौर पर तैयार हो जाता है जंगी पैमाने पर यानी जंगी लिबास में आ जाता है तो जब तक या तो अल्लाह का हुक्म ना आ जाए कि वापस हो जाओ और ये लिबास उतार दो या फिर कुफार से या दुश्मन से मुकाबला जब तक हो ना जाए तब तक ये लिबास उतरता नहीं है ये नबी का मामला था लिहाजा अब लिबास में पहन चुका हूं तो अब बाहर निकलना ही है अब इसमें देखिए अब उसका नतीजा जो हुआ कई असबाव सामने आएंगे कि ये हालात पैदा हुए लेकिन ये एक जो फैसला पैनबी सल वसलम का था जो मशवरा था अगर उस पर अमल किया जाता तो शायद हालात कुछ और होते शायद हालात कुछ और होते हैं बाद में लोगों ने उसकी तायद भी की तो ये दोनों फैसले आप देखिए कि एक में तो जज्बात है और एक में बहुत सोच समझ करके फैसला लिया गया था तो ऐसे मौके पर फैसला जब लिया जाए तो सोच समझ के लिया जाए जज्बात में आके ना लिया जाए हाँ जब फैसला ले लिया गया तो कौम को उभारने के लिए उनके जज्बात को बरंगख्ता करने के लिए उनको जोश दिलाने के लिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं लेकिन फैसला जब लिया जाएगा तो एकदम ठंडे मिजाज से लिया जाएगा वरना उमूमन जज्बाती फैसले नुकसान का सबब बनते हैं आज भी आज भी आप देखें कि इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ नबी करीम अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान के खिलाफ बहुत सारी बातें होती हैं मुसलमानों में दो तबका है एक तबका है, उन मामलात को हल करना चाहता है लेकिन संजीदगी के साथ दूसरा तबका हमारे नौजवानों का ख़ास तौर से है वो जज्बात में आ जाता है हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे हम ये कर ऐसा हम वैसा हम इतने हम उतने इसमें आ जाता है अब इनके किसी एक ऐसा कदम जो जज्बात में गलत पड़ जाता है उसको दुश्मन मिसाल बना करके लोगों के सामने पेश करता देखो ये लोग ऐसे हैं, और फिर मुसलमानों के खिलाफ एक राय कायम कर ली जाती एक माहौल बना दिया जाता है कि देखो ये लोग इतने ख़तरनाक हैं इसलिए इनके ख़िलाफ़ ऐसा ही होना चाहिए क्या ये पूरे मुसलमानों का फ़ैसला होता है नहीं ये चंद जज्बाती मुसलमान नौजवानों का फ़ैसला होता है या जज्बाती तंजीमों का फ़ैसला होता है जो हमारे नौजवानों को कैप्चर कर लेते हैं उनके उनसे खेलते हैं उनके जहन से खेलते हैं जबकि दूसरा तबका भी मुसलमानों का है वो भी इन मामलों को हल करना चाहता है लेकिन वो संजीदगी के साथ संजीदगी के साथ क्या हो सकता है जो कानूनी कार्रवाई वो की जा सकती है ऐसे लोगों से मुलाकातें की जा सकती है दूसरे कौम के जो लोग उनसे मुलाकातें की जा सकती है और यकीन जानिए जब हम बात कहते हैं डायलाग का सिलसिला जब शुरू होता है तो हमारे हिमायत में एक माहौल तैयार हो जाता है तो जज्बात का फैसला नुकसानदेह होता है जो भी फ़ैसला लें सोच समझ के ठंडे दिमाग से संजीदगी के साथ इसी को अगर हम थोड़ा और नीचे लेकर के आते हैं ख़ास तौर से घरों के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ों में आप देखिए कि जहां हम एक मैदान दावत में हम बात करते हैं उसी से जोड़ करके हम अपने घर को भी शामिल रखते हैं क्यों इसलिए कि हमारा घर भी दावत का एक मैदान होता है वहाँ भी समझने और समझाने की ज़रूरत होती है कभी कोई हमको कुछ कह देता है कभी हम किसी को कुछ कह देते हैं इस तरह की चीज़ें आती हैं तो घर के अंदर भी जज्बात में कोई फ़ैसला मत लीजिएगा नाराज़ हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया और ऐसा ऐसा जितनी भी तलाक़ें होती हैं घरों के अंदर जितनी भी तलाक़ें होती हैं क्या ऐसा नहीं है कि गुस्से में जज्बात में तमाम चीज़ें होती इल्ला माशाल्लाह बाद में लोग पछताते हैं नहीं ऐसा नहीं माँ और बहन है उनका भी मामला है गुस्से में आएंगे जज्बात नहीं 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 मुझको नहीं रहना मुझको छोड़ दीजिए तलाक़ दे दीजिए वो खुद डिमांड करने लगती हैं बताओ हालांकि उनको बाद में एहसास होता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर बैठे तो जज्बात में फैसला न लीजिए सोच समझ के फैसला लीजिए हो सकता है इंसान के साथ गलत मामला हो गया है उससे निकलना चाहता है तो सोच समझ के फैसला ले लीजिए जज्बात में नहीं कोई भी फैसला जज्बात में नहीं लिया जाता तीसरी बात हजरत हमदर तला की शहादत इसमें एक बात तो मैंने धिक्र कर दिया कि इस शहादत से भी ये बात वाजी होती है कि नबी के नबी सली वसल्लम को कोई इख्तियार नहीं था आप वसल्लम के चचा थे बहुत आपको अज़ीज़ थे और वो भी आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे और ख़ास तौर से एक फ़ौजी के एतबार से जो कारनामे आपके जंग बदर में रहे और गज्व में भी जो कारमे थे वो बेमिसाल थे इनकी शहादत बहुत बड़ा नुकसान था क्या नबी सल्ह वसलम ने इनको सैदुलशोदा का खिताब दिया सैदुलशहदा का खिताब दिया है क्या मतलब होता है सैदुलशहदा का जितने शहीद हैं उनके सरदार करार दिया उसमें हजरत हुसैन भी हो सकते हैं हाँ उनके भी सरदार हो सकते हैं ना हाँ शहीदों के सरदार ये हैं और वो जन्नत के नौजवानों के सरदार ठीक यहाँ एक बात बड़ी उससे की जाती है कि इनका मतला किया गया और यकीन मुसलमान मुसलमानों की लाश के साथ बेहरमती की गई और उनके जिसम को काटा गया आज़ा को काटा गया इनके बारे में ख़ास तौर से एक बात कही जाती है वो ये कि हो जो गज अहद में कुफार की क़्यादत कर रहे थे उनकी बीवी हिंद बिन हिंद बिन हिंदिन कि उन्होंने वशी बिन हर्ब जो गुलाम जिस गुलाम ने इनको नेजा मारा था उससे वादा किया था कि अगर तुम उन्हें कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें, तुम्हें आजाद कर दूंगी और तुम्हें अपना हार इनाम में दे दूंगी वगैरह वगैरह और ये आता है कि उन्होंने इनके लाश को मसला किया यानी इनके लाश के साथ बेकुमती की कलेजा निकाल करके चबाने की कोशिश की बड़ो बहुत मशहूर है ये है ना? बहुत मशहूर इसको बयान किया जाता है कि अबूसुफियाल की बीवी हिंद बिन उतबा उन्होंने कलेजा निकाल करके चबाने की कोशिश की देखिए शुरू में एक बात आई थी जब दर से शुरू हुआ था या किसी के सवाल आया था उसमें यह था कि जो भी तारीखी रवायात होती हैं या सीरत के जो रवायात होती हैं उसमें बहुत सारी रवायतें ऐसी होती हैं कि जो सनत के एतबार से सही नहीं होती तो सनत के एतबार से जो रवायतें सही नहीं होती अगर उसके अंदर किसी पर नक़द नहीं किया गया किसी परब नहीं लगाया गया तो ऐसी रवायतें तारीख़ी सिलसिले को जोड़ने के ले ली जाती लेकिन ऐसी रवायतें जिसके अंदर किसी शख्सियत पर लग रहा हो और उस कलाम के अंदर सनत कमज़ोर है तो फिर उस रवायत को नहीं इस रवायत की वजह से जो रवायत पेश की जाती है वो रवायत सही नहीं है सनत सही नहीं उसके सनत में इनकता है जो लोग हदीस पढ़ते जानते हैं कि इनकता सनत मुकम्मल नहीं होती बीच में थोड़ा सा गैप रहता है इसमें एक रावी जो शिया रावी हैं वो रवायत करते हैं अपने जो जिनको उस्ताज बना रखा है उनके दरमियान सत्तर साल का फासला है सत्य कितने सालों का यानी जिससे वो रवायत कर रहे हैं उसके स, उसके इंतकाल के सत्तर साल बाद ये पैदा हुआ ये उनसे रवायत कर रहे हैं अब वो रावी शिया हैं तो बह इस बुनियाद पर रवायत दुरुस्त नहीं और अगर उस रवायत को लेते हैं तो ये इल्जाम लग रहा है किस पर उतबा बिन हिंद बिन हिंद पर हिंद बिन उतबा पर जो कि सहाबिया है क्या है सहाबिया हैं इस्लाम कबूल करती तो सहाबिया पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगता है लिहाजा जब तक कोई सही रवायत ना हो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए हाँ जितनी रवायतें मिलती हैं खुद जो है, है वह बिन हरबो जिन्होंने नेजा मारा था बाद में वो भी इस्लाम कबूल किए थे तो उन्होंने कई मकाम पर जिक्र किया है कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि कैसे वो मामला हो उनको बड़ा अफसोस रहता था इस बात का कि मेरे हाथों से हज़रत हमदर्र-अल्लाह की शहादत हुई है चुनाचें उन्होंने पूरा वाक़ बताया कि ऐसा ऐसा था मुझे मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मेरे जो आका थे मेरे आका उनके आका ये भी हिंद, न, हिंद बिन उतबा नहीं थी बल्कि उनके आका दूसरे थे एक मिनट कौन थे कौन थे जुबैर बिन मुतम जुबैर बिन मुतम उस गुलाम के आका जुबैर बिन मुतम थे उन्होंने कहा था कि तुम अगर जो है इनको शहीद कर दो इनको कदल कर दो हज़रत हमज़ा को तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा क्योंकि ज़ुबैर बिन मतम के चचा को जंग बदर में हज़रत हमज़ा ने शहीद किया था जिनका नाम तयबा बिन आदि था तोमामा बिन आदि था तो मत बिन ज़ुबैर बिन मतम के चचा को बदर में इन्होंने कत्ल किया था हमज़ा ने तो ज़ुबैर बिन मतम ने अपने गुलाम वहशी बिन हरब को कहा कि आप अगर तुम अगर हज़रत हमज़ा को कत्ल कर दो तुमको मैं आज़ाद उन्होंने भेजा था तो ये कहते हैं बिन जो जिन्होंने कत्ल किया था कि मैं मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि मुझे उनको कत्ल करना हमको आज़ादी मिलना चाहिए कौन जीतता है कौन हारता है हमें इसकी परवाह नहीं तो उन्होंने जब भी जिक्र किया तो यही जिक्र किया कहीं ये जिक्र नहीं किया कि मुझको जो है हिंद बिन उतबा ने भेजा था मुझको जो है उन्होंने ये इनाम दिया था इस तरह की बात कहीं जिक्र ही नहीं है और ये जो रवायतें उन्होंने जिक्र की है जिसमें जिक्र करते हैं कि मुझको फ़ना ने भेजा था वो सब बुखारी की रवायत हैं मुस्लिम की रवायतें तो ऐसी रवायतें जो सही हैं उसका एतबार किया जाएगा और ऐसी रवायतें जिनके अंदर जोफ़ है कमज़ोरी है सनत सही नहीं है उनका एतबार नहीं किया जाए ख़ास तौर से अगर किसी सहाबी पर तान या ऐब लग रहा हो लिहाजा इस तरह की बातें करना दुरुस्त नहीं होंगी एक बात ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे इसका अंदाज़ा कई मौाक़े पर लगा कि वो उसका इजहार भी करते थे लेकिन प्याया नबी अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये इस्लाम का एक हिस्सा है ईमान का हिस्सा है अगर नबी से किसी को मोहब्बत नहीं है तो मोमिन हो सकता है नहीं मोहब्बत ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए अगर अपनी जान से अपनी औलाद से अपने बाल बच्चों से ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है तो ईमान में कमी है साहब कराम ने साबित कर दिया कि हमें सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत है उन्हें अल्लाह के नबी के मुकाबले में किसी और की परवाह ही नहीं हुआ करती थी चाहे मुकाबला करने दौर, दौरान जब नबी करीम अलैहि वसल्लम को घेर लिया गया तो किस तरीके से साहब कराम ने दो चार ही साहब इक्राम आस पास रह गए थे कैसे उन्होंने नबी को बचाने की कोशिश की तीर आता तो हाथों से रोक लेते थे हाथ जब शल हो जाता था पीठ घुमा के खड़े हो गए कि जो भी तीर आए मेरे पीठ पे लग जाए ये साहब थे एक वाकया आप जब नबी करीम पूरी फौज को लेकर मदीना वापस आने लगे तो तमाम लोग अपने अपनों के बारे में सवाल करते थे और लोग खबर देते कि हाँ तुम्हारे फला का शहादत हो गई है तुम्हारे फला शहीद हो गए तुम्हारे फला शहीद हो गए इस तरह की बात आती थी एक औरत है लोगों ने उनसे कहा कि तुम्हारे बेटी की शहादत हो गई है और इसी तरीके से तुम मुश्किल बनुदीनार की खातून है जिनके शौहर भाई और बाप शहीद हो गए थे शौहर भाई और बाप एक बहन को अपने भाई से कितनी मोहब्बत होती है भाई को उसका एहसास नहीं होता बाप को बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है शायद बाप को भी उसका उतना एहसास ना हो और ऐसे ही शौहर यानी इनका ऊपर भी बाप का इंतकाल हो चुका है भाई का इंतकाल हो गया है शौहर का शहादत हो गई तीन की शहादत हो चुकी है लोगों ने सब बताया कि इनका, इनका इंतकाल इन्होंने कहा कि जब उन्होंने इन लोगों की शहादत की खबर दी गई तो कहने लगी रसुल्ला वसल्लम का क्या मामला है बाप शहीद हो गए भाई शहीद हो गए जो है शौहर शहीद हो गए लेकिन ये बताइए कि नबी अलैहि वसल्लम का क्या हाल है लोगों ने कहा आप अहमदुल्ला जैसा तुम चाहती हो वैसे ही हैं खातून ने कहा जरा मुझे आपको एक झलक एक दिखला दीजिए थोड़ा दीदार करा दीजिए लोगों ने उन्हें इशारे से बताया जब उनकी नजर आप पर पड़ी तो बेसाख्ता पुकार उठी कुल्लू आप मुसीबत आपके बाद तमाम की तमाम मुसीबतें खत्म हो गई चक्कर हो गई हवा हो गई जब नबी मौजूद हैं तो नबी की मौजूदगी के बाद तमाम तर तकलीफें खत्म हो गई अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक हकीकी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी निगाह में उसकी औलाद से उसके उसके औलाद से खुद उसकी जान से उसके औलाद से तमाम लोगों के से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ चुनाचे इन मोमिनात ने सहाबियात ने सहब कराम साबित करके दिखाया कि यकीनन सबसे ज़्यादा उन्हें नबी करीम सल वसल्लम से मोहब्बत थी ना अपनी जान की परवाह ना अपने बच्चों की जान की परवाह ना अपने अज्ज़ा व अकारब की जान की परवाह अगर परवाह थी तो सिर्फ एक बात नबी वसल्लम नबी मौजूद है नबी की नेमत मौजूद है तो तमाम तर तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं उसी के सहारे वो जी लेंगे ये चीज़ें आज हमें लाने की ज़रूरत है ये कैसे आ सकते हैं सबसे ज़्यादा हमें नबी से मोहब्बत हो जाए दावा तो हम भी करते हैं आप भी करते हैं तमाम लोग करते हैं लेकिन अमलन जरा जब हम देखते हैं तो क्या वाक़ता ऐसा है कि हम सबसे ज़्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, अमली तौर पर मोहब्बत का मामला ऐसा है दुनियावी तौर पर भी और शरीयत तौर पर भी दावे से बात नहीं बनेगी जबान से कह देने से बात नहीं बनेगी बल्कि उसके लिए अल्लाह आलमीन ने एक पैमाना नादिल फरमाया पैमाना क्या है नबी की इताअत करके दिखाओ नबी से मोहब्बत है तो नबी के इताअत करके दिखाओ और सबसे ज्यादा इताअत नबी के होनी चाहिए सबसे ज्यादा मतलब एक तरफ नबी की बात हो दूसरी तरफ खानदान की बात हो लोगों की बात हो सबाज की बात हो दोस्त की बात हो अपनी बात हो अपने दिल की बात हो इन तमाम लोगों के बीच में अगर नबी का फैसला है तो सबको छोड़ करके नबी की बात मानना है अपने आप को तैयार करना है जिस दिन मुसलमान इस तरीके से नबी से मोहब्बत करने वाला बनेगा उस दिन हकीकी मानों में एक हकीकी इस्लामी माशरा तश्कील पा जाएगा जिसको कोई ख़तरा नहीं होगा जिसके अंदर कोई डर नहीं होगी जो किसी और से खौफजदा नहीं होगा वो भी कह देगा ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी ये परेशानी दुनिया भर की परेशानियाँ हैं लेकिन जब नबी के नबी का तरीक़ा हमें हमारे पास मौजूद है तो ऐसी सूरत में हमें किसी का खौफ नहीं है खौफ कहाँ होता है जब हम हम नबी का नक्शे कदम छोड़ कर के किसी और के तरीके पे चलना चाहते हैं। और वहीं परेशानी होती चाहे तिजारत का मामला हो चाहे इबादत का मामला हो चाहे दावत तबलीग का मामला हो चाहे हमारे घर का मामला हो हर जगह जब हम नबी के तरीके को छोड़ते हैं नबी से सच्ची मोहब्बत को छोड़ते हैं तब परेशानियाँ हमारे हिस्से में आ जाती हैं तो साहब क़राम चूँकि हर मामले में नबी को फ़ोकियत दिया करते थे सबसे ज़्यादा नबी से, से मोहब्बत करने वाले होते थे इसलिए वो अलहमदल्ला फ़तः याब हुए कामयाब हुए और वो वक्ती नुकसान के बावजूद दोबारा उभरे दोबारा उभरे और ऐसा उभरे कि उसके बाद फिर कभी ज़ैर नहीं हुए यबालमीन ये तमाम चीज़ें बर, ये इन्हीं चीज़ों की बरकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अंदर पैदा फरमाई थी तो मुसीबत परेशानी आएंगी तो इसका हल इस तरीके से किया जा सकता है कि नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत आज मुसलमान नौजवान हमारा ये है कि कहते हैं कि गर्दन कटार हम जान दे देंगे नबी के लिए हम जान दे देंगे देखिए जान देना बड़ा आसान है उसमें क्या है गए कुछ हुआ मार दिए गर्दन कटे खत्म हो गया ना कुछ झेलना पड़ा झेलेंगे वो जो आपके बाद हैं आप तो निकल लिए नहीं मोमिन की जान बहुत प्यारी अल्लाह को बहुत कीमती मोमिन की जान बहुत कीमती है इसको बचाना जरूरी है। मैं दूसरे मौके पे बातें कर चुका हूं कि मोमिन की जान कितनी कीमती है जब मक्का की जिंदगी मैंने उसका तस्करा किया है असल नबी के लिए अगर अकीदत है मोहब्बत है तो असल तो यह है कि परेशानियों और तकलीफों के दरमियान रहते हुए नबी के नक्शे कदम पे चलें परेशानियां आएंगी फिर भी नबी के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे क्यों हमें नबी से मोहब्बत है मोहब्बत की बात आती है तो बहुत सारी मिसालें दुनिया के अंदर मौजूद है माशका की उसमें यही तो दिखाया जाता है क्या इतनी तकलीफ है लेकिन माशूक के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं और वो गलत चीजें हाथ काट रहे हैं उंगली काट रहे हैं वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं ना क्यों करते हैं भाई माशूक के लिए तकलीफे मजा आ रहा है वो गलत है वो गलत है मोहब्बत है प्यारे नबी से मोहब्बत कीजिए और प्यारे नबी की मोहब्बत को बचाने के लिए आपकी इतबा करते हुए चले जाइए रास्ते में तकलीफ़ें आएंगी आप सब्र कीजिए इन जरूर मज़ा आएगा और सिर्फ यहाँ नहीं वहाँ भी सिर्फ यहाँ नहीं वहाँ भी और नबी की सोहबत यहाँ तो मामला ऐसा है कि वो मिले ना मिले कुछ पता नहीं कुछ लोग उसी को कामयाबी समझते हैं वो मुलाकात भी नहीं हुई लेकिन मरे जा रहे हैं और उसको अपनी कामयाबी समझते हैं एक कामयाब आशिक है ये कामयाब आशिक क्यों उनके वो ऐसा हो गया वैसा होगा हो शादी ही नहीं करेंगे ये क्या है नबी से मोहब्बत कीजिए नबी का साथ मिलेगा और मोहब्बत का मतलब एताज अल्लाह रब्लमिन ने हकीम में इसका ज़िक्र फरमाया कुल तुम तोब्बाला उसके अलावा दूसरे मक़ाम पर अल्लाह ने फ़रमाया कि जो अल्लाह उसके रसूल के एताज़ करते हैं अल्लाह रबालमिन फ़ौल मॅीआनाबी सद्दीक़ी नव शहदा व सलि व हसन रफ़ीका और दूसरे मक़ाम के नबी ने, ने फ़रमाया कि इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है तो नबी से मोहब्बत सही से कीजिए सिर्फ जज्बात में जान वही मैंने कहा कि जान दे देना बहुत आसान है और हमारा नौजवान यही समझते यही कामयाबी हम नबी के लिए जान दे देंगे भैया जान बचाइए नबी के जो तालीमात हैं उसको ले चलिए दूसरों तक पहुँचाइए उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए और उसमें जो तकलीफें आती बर्दाश्त कीजिए इन वाकई इसमें लज्जत आएगी कि हम अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चल रहे हैं इसलिए तकलीफ़ आ रही है और यही कामयाबी है तो साहब कराम इस पर चल रहे थे हमें उसी अतबार से चलना चाहिए ऐसे ही एक और बात है इस गस्बे के अंदर जो टर्निंग पॉइंट था एक जीती हुई जंग नुकसान का सबब बन गई उसका टर्निंग पॉइंट यही था नबी सल ने पचास साहब कराम को एक पहाड़ी घाटी थी और उसको जबल रमात कहते हैं पहले जबल आनैन उसको कहते थे वहां मुतन किया था और उसके जो कायद थे जिनको कायद बनाया था वो थे अब्दुल्ला बिन जुबैर अब्दुल्ला बिन जुबैर जिम से आपने उनको कहा था कि यहाँ से आपको टलना नहीं है किसी भी हालत में ये दुर्रा ये घाटी ये रास्ता छोड़ना नहीं है कुछ भी हो जाए बुखारी के अंदर ये अल्फाज भी हैं कि पा नबी ने फरमाया कि अगर तुम ये देखो कि हमारी लाशों को परिंदे नोच रहे हैं फिर भी इस जगह को मत छोड़ना और ये देखो कि हम माल जमा कर रहे हैं फिर भी इस जगह को मत छोड़ना जब तक कि मेरा हुक्म ना आ जाए पे नबी अमली थी जंगी सलाहियत थी आपके अंदर क़्यादत का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल रबीन ने दिया था आपने महसूस किया था कि ये वो मकाम है कि अगर ये रास्ता छोड़ दिया जाए तो कुफार हमारे पीछे आ जाएंगे हम पर हमला कर देंगे खालिद मरीद उसी तरफ लगे हुए थे उस वक्त तो वह कुफ़र की हालत में थे चुनाचे पचास साहब करम में से इब्तदा में खालिद बिन वलीद ने काफी कोशिश की लेकिन इन तीरंदाजों की वजह से उनको कामयाबी नहीं मिली आगे नहीं बढ़ पाए जब पहला मरहला जंग का हो गया और कुफार भाग खड़े हुए तो मुसलमानों ने क्या किया उनका तकुब करना शुरू किया उनको दौड़ाना शुरू किया उनको मारना शुरू किया और फिर उनके माल को जमा करना शुरू किया जो भी जंगी आलात थे या जो भी उनका सामान था इन पचास सहाब्राम में से चालीस सहाब ने ये कहा कि देखिए हमको यहाँ इकट्ठा किया गया था इसलिए कि जंग तक जंग जब तक हो तब तक अब जंग खत्म हो चुकी है अब तो लोग माले गनीमत लूट रहे हैं यहाँ उनसे जल्देबाजी हुई और वो चालीस साहब कराम उस दुर्रा को छोड़ दिए खालिद बिन वलीद ताला जो पहले से ताक में थे मौका गनीमत जाना और वो दस साहब कराम जो मौजूद थे खुद कायद मौजूद थे अब्दुल्ला बिन चुबेर उन पर हमला किया और एक एक करके सबको शहीद कर डाला और उसके बाद उस रास्ते से मुसलमानों के पीछे एकदम पहुंच गए और फिर जब वहां से हमला किया तो मुसलमानों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है क्यामत बर्फा हो गई अभी तो मंजर क्या था कुफर भाग रहा था उनको ऐसा लगा कि हम जीत गए माल इकट्ठा कर करने ये नौबत आ गई थी और अचानक जब पीछे से तलवारें पड़ने लगीं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ लिहाजा मुसलमान भी भाग खड़े हुए थे और उसी में बहुत सारी बातें ये इतनी बड़ी गलती थी कि जिसके बाद पूरा जंग का नक्शा ही बदल गया नतीजा ही बदल गया तो इससे अहिल ने इस्तलाल किया है नबी के एत में कामयाबी नबी की नाफरमानी में नुकसान और खसारा है एतात जहाँ छोड़ेंगे मुसलमान वहाँ वो नाकाम हो जाएंगे वही हुआ उन्होंने अल्लाह के नबी के दाद को छोड़ दिया ना समझी की बुनियाद पर और इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा कि सत्तर साहब इक़राम शहीद होते हैं ख़ुद अल्लाह के नबी जख्मी हो जाते हैं और कुफार हँसते खेलते ललकारते वापस चले जाते हैं ती हम कोई भी काम करें नबी की एताज करते हुए ही करें तजारत कर रहे हैं मामला कर रहे हैं मुकाबला हमारा हर फील्ड में है हर जगह हमको मुकाबला करना है लेकिन याद रखिए मुकाबला करके अगर जीतना है तो नबी की एताज़ करते हुए इसको जीतना है नबी की नाफरमानी ना होने दें बहुत सारे रास्ते लोग दिखाएंगे कि अगर ये रास्ता अपना लो तो कामयाब हो जाओगे हालांकि वो रास्ता नबी की मुखालफत है ऐसे ही किसी भी फील्ड में आप हैं हर जगह नबी के एत कीजिए तभी कामयाबी मिलेगी अल्लाह अल्लाहबूलिन ने फरमाया है अल्लाह रसूल अतिरसूल तरह कई मकाम फरमाया अल्लाह उसके रसूल के एत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए ताकि तुम कामयाब हो जाओ तो यहाँ वही मामला था कि नबी के एत नहीं हुई इतना बड़ा मामला हो गया नबी की नाफ़रमानी की वजह से इतना बड़ा खसारा हो गया हम बहुत सारा काम अल्लाह के नबी की नाफरमानी करते हुए कामयाबी चाहते हैं और उसी में हमारा खसारा और नुकसान हो जाता है इसलिए ऐसे ही घरों का मामलात हैं उसमें भी ठीक है बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में राइज रहती हैं हमारे समाज में होती रहती है हम करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हम कामयाब हैं लेकिन याद रखिएगा अगर नबी के इतात उसमें नहीं है तो उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती है नुकसान होगा खसारा होगा शादी ब्याह का मसला होता है लोग कहते हैं ये मसला पेश आ गया शादी के बाद ऐसा हो गया शादी यकीन हो सकता है लेकिन थोड़ा सा हमको पीछे जाना चाहिए देखना चाहिए कि हमारा निकाह कैसे हुआ है उसमें कहीं नबी की हुक्म के खिलाफ फर्जी तो नहीं हुई है थोड़ा सा गौर करना चाहिए देखिए आजमाइश आ सकती कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम शरीयत के मुताबिक निकाह करने के बावजूद भी आजमाइश आती लेकिन उसके बावजूद वो आगे चल के सही होने के इम्कान रहते हैं। अल्लाह ताली असबाब फराहम कर दो और ना भी हो तो ऐसी सूरत में अल्लाह से कहिए दुआ कीजिए अल्लाह मैंने इस निकाह को बरकत के लिए अल्लाह के नबी के एताज करते हुए मैंने किया था तो अल्लाह सुनेगा वसीला बनाइए उस अमल को आप नेक काम आपने किया है कि निकाह शरीयत के मुताबिक करने की कोशिश की तो निकाह शरीयत के मुताबिक नबी के एताज करते हुए करने के बावजूद परेशानी आ सकती है लेकिन उसमें इंसान हारता नहीं है अल्लाह कामयाबी देता है निकलने का रास्ता पैदा कर देता है अगर वो निकाह चल सकता है तो अल्लाह उसको हालात दुरुस्त कर देता है और ये कि नहीं चल सकता है तो उससे कैसे निकला जाए कि बासानी निकल जाए वरना ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बावजूद तलाक भी नहीं दे पाते पूरी जिंदगी वैसे गुजर जाती तो जब इस हमारे घर का माहौल बिगड़ने लगे तनावपूर्व हो जाए टेंशन भरा हो जाए तो एक बार जरूर सोचिए कि हमसे कहीं आ, शरीयत के मुखालफत तो नहीं हो रही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हुक्म के खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों को रोज़ाना अपने घर में होने वाले अमाल का जायजा लेना चाहिए और यही वक्त है ये अल्लाह की नेमत है कि जब हमारी परेशानी आती थोड़ा सा हम पीछे देखने की तैयार हो जाते हैं और जब खुशहाली होती है तो उसकी भी नौबत नहीं आती उसकी भी नौबत नहीं सब सही चल रहा है तो कौन उसको जायजा लेने जाएगा तो जब रोज़ आना ये आप सोचें कि हम घर में आए दुआ पढ़े थे कि नहीं थे पड़े थे सच कह रहा हूं घर में दाखिल हुए थे तो नबी ने जैसे बताया वैसे दाखिल हुए थे या कोई और तरीका था हमने सलाम किया था कि नहीं किया था यहां से गौर कीजिएगा और नबी के तहत आपने किया है कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी और नबी के एतात नहीं किए हैं तो शैतान आना ही आना है तो मोमिन को नबी के तात करना चाहिए उसी में कामयाबी अगर नबी की नाफरमानी करेंगे तो कामयाबी नहीं बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे देखने बड़े खुशहाल नजर आते हैं लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती देखने में सब ठीक ठाक है लेकिन अंदर क्या है कोई नहीं जानता और ये यकीन है कि जो शख्स शरीयत पर अमल करता है नबी के तात करता है वो पुरसुकून होता है यकीनी चीज़ है और नबी की नाफरमानी करने के बाद कोई बहुत खुशहाल नज़र आए तो उस वो यकीनन खुश है या नहीं इस पर यकीन नहीं किया जा सकता तो बहरहाल नबी की तात ये ज़रूरी है उसके बाद उसके अलावा कुछ और नहीं नबी करीम मुबलिक थे, थे। दावा तब्लीग का फरीजा अंजाम देते थे कोई भी लम्हा आप तबलीग का मौक़ा मिले तो तब्लीग से बाज नहीं आते थे हालात कुछ भी हो कभी भी मौका मिला तो आप तबलीग किया करते थे इसी में देखिए नबी वसल्लम घेरे हुए हैं और आपके इर्दगर सिर्फ जो है आ, नौ या सात साहब एक राम रह गए थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जिनमें से सात सहाबी शहीद हो गए आपके ख़िलाफ़ जंग करते हुए एक सा, दो सहाबी रसूल सात बिन नबीबा अन और इसी तरीके से एक दूसरे सहाब रसूल हैं जो आपकी दिफा कर रहे थे हजरत तलहा बिन अब्दुल्ल तलहा बिन उबैदुल्लाह तलहा बिन उबैदुल्लाह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा कर रहे थे तलहा बिन उबैदुल्लाह अल्लाह ताला अनहु का मामला ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जितनी भी तीरे आती थी ऐसे रोकते थे आने ना पाए नबी को ना लगने पाए ये शल हो गया था उसी में से उनकी जब एक तीर उनके उंगली में लगी तो जब उनकी उंगली जख्मी हुई तो उनके मुंह से निकला सी अरबी में हिस चोट लगी इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया अगर तुम बिस्मिल्लाह कहते तो तुम्हें फरिश्ते उठा लेते और लोग देखते रहते तालीम देखिए मौका कौन सा था एकदम ऐसा मौका था कि आदमी अपने इख्तियार में नहीं है और सी की जो आवाज निकलती है इख्तियार में होता है वो अपनी जबान कब चल जाती पता नहीं मैदान जंग में और इस पोजीशन में कि दुश्मन नबी पर हमला कर रहा है और नबी को बचाते हो इस तरह की थोड़ी सी गलती होती है अल्लाह के नबी वहां तलकीन करते हैं तुमको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए था उसकी फजीलत ये थी हम लोग क्या करते अभी रहने दो तो अभी यहाँ कुछ मत बोलो टेंशन में वो और भी फर जाएगा अभी ये तो बोलते हैं या खुशी के मौके में खुशी मना लेने दो अभी सुनेंगे नहीं वो लोग अपना काम बताना है शादी एक ही बार करते शरीयत ने चार बार कहा है ये बहुत ये वाकई इसने जो है इस सोच ने बहुत सारे फितने को जन्म दिया है बात दूसरी तरफ ना रखने मुझे पकड़ना क्या कि एक ही बार तो होती है इसलिए जितनी बुराई करना हो कर लो भाई आपको एक करना है कीजिए लेकिन ये सोच मत कि कि एक ही वो एक ही ही मर्तबा मर्तबा के वजह से सोचते हैं जश्न दोबारा या दूल्हा दोबारा बनने का मौका नहीं मिलेगा ये? और ये सिर्फ दुल्हा का मामला नहीं होता पूरा घर रहता है उसमें रोज रोज थोड़ी ना शादी होती है नहीं नहीं तब तो दूसरा जब होता है वो सुकून से होता है छुप छुपा करके होता है कम खर्चे में होता है फिर वो एकदम शरीयत ढूंढते हैं अल्लाह के नबी ने कैसे किया था पहले को पता भी नहीं रहती बाद में पता चलता है तो मसाइल पैदा होते हैं तो बहरा वो दूसरा टॉपिक है उधर मत जाइए नबी के ने सिखलाया इन हालात में भी जो सही तालीम थी अपने सहाबी को आगाह किया कि देखो आपको इस मौके पर ये कहना चाहिए चोट लगे तो हमको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए हमको चाहिए कि बचपन से इसकी तलकिन करें सबके घर में बच्चे होंगे ज़्यादातर बच्चे गिर जाते हैं कहीं टकरा जाते हैं रोने लगते हैं तो उनको सीधा बेटा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वो उनको कुछ पता नहीं कि बिस्मिल्लाह कहने से क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है वो कुछ नहीं मालूम उनको लेकिन हाँ आइंदा जब चोट लगे तो सी सी करने नहीं करेंगे बिस्मिल्लाह ये हमें सिखाने की जरूरत है छोटे बच्चों को ये मत सोचेगा अभी तो छोटा है नहीं अभी से सी उनको सिखलाइए वरना बड़े होने के बाद जबान पर चढ़ना जरा मुश्किल हो जाता है तब तो वो सी निकलता है फिर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर भी तबलीग करने से अपने आप को नहीं रोक सके और ये एक अहम चीज़ हमको दे गए उस मौके पर जब आपकी जान खतरे में थी कि बिस्मिल्लाह चोट लगे परेशानी आए गिर जाए तो हमको बिस्मिल्लाह करके उठने की कोशिश करना चाहिए सी के बजाय बिस्मिल्लाह कहना चाहिए तो इसी चीज़ फरिश्तों अल्लाह आलमीन को बहुत पसंद है गिरता है तो ये तो बंदरों की कैफियत है आ? उनके बच्चे उनके बच्चे अगर गिर जाए तो अब पिटाई करते हैं तुम तो बंदर हो तुमको तो चलना कूदना है नहीं मारना नहीं चाहिए बच्चे हैं उनको उठाना चाहिए समझाना चाहिए और फिर हमारे मारने से उतने मजबूत तो नहीं हो सकते अगर मार करके जिसमें को मजबूत करना ही है तो पहले से किए रखिए ना रो रहा है उस पर आप मजबूत करना चाहेंगे तो सही नहीं बहुत अहम है इससे देखिए कोई भी काम कहते हैं बिस्मिल्लाह के जरिए शुरू कीजिए बरकत होती है हौसला मिलता है ताकत मिलती कोई भी काम कीजिए अगर मुंह पर अल्लाह का नाम आ जाता है तो पता नहीं क्यों एक अजीब सा हौसला हमको मिल जाता है तो बिस्मिल्ला सिखाइए ठीक है अल्लाह ठीक कोई हरज की बात नहीं इनशा यानी कहने का मतलब ये है कि तकलीफ और परेशानी के वक्त जब हमारे मुंह से बिला इरादा बिला इरादा जबान से कोई कलमा अगर अदा हो तो अल्लाह का नाम होना चाहिए इतना हमारी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए सही है, सही हाँ पढ़ सकते हैं वो बुरी खबर सुनने के लिए है परेशानी के वक्त वो दुआ पढ़ने के लिए और उसके नतयज भी बहुत अच्छे आए किसी और मौके पर इन कि उस दुआ को पढ़ने से कितना फ़ायदा हुआ था सहाबिया ने सोचा था कि हो ही नहीं सकता कि इतना अच्छा शोहर हमको कोई और मिले और मिला कौन मिला प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले थे तो ये दुआ पढ़ना चाहिए तो ये हर हालत में हमदाई हैं हर मौके पर हमदाई हैं जब ये फिक्र हमारी होगी कि हमें दावत का काम करना है तो फिर अल्लाह रबूल आलमिन मौाक़ फराहम करता है और इस तरीके से हम दावत का काम कर सकते हैं जैसा कि पाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हालात में सहाबी रसूल को सिखलाया कि आप बिस्मिल्लाह पढ़िए आप बिस्मिल्लाह पढ़िए और उसका फ़ायदा मिला नबी अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कत्ल किया है एक शख़्स को लिया कहा गया है बदतरीन है वो शख्स जिसने किसी नबी को कतले किया और बदतरीन है वो शख्स जिसको नबी कदले कर दें और नबी करीम ने जिसको कदले किया है वो शख्स है उबै, उबै बिन मैं एक मिनट नाम क्या था उबै बिन खलफ उबै बिन खलफ इसने जब देखा कि हाँ उबै बिन खल्फ इसने जब देखा कि मुसलमानों पर हमला हुआ मुसलमान भाग खड़े हुए तो इसने चाहा कि हम बढ़ करके बड़े घमन के साथ गुरूर के साथ कि हम डायरेक्ट पहुंच करके अल्लाह के नबी को कत्ले कर दें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अल्लाह के नबी नबीर तैयार है तो अल्लाह के नबी ने बहुत निशाना लगा करके नेज़ा चलाया था और ये मुकम्मल तौर से जंगी लिबास में था ज़रा में खुद में खुद समझ दें लोहे की टोपी ज़रा कमीज़ लोहे की थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ था अल्लाह के नबी ने वहाँ निशाना लगाया और वो नेजा जाके थोड़ा सा खराश लगा था बस ये कई बार अपने सवारी से गिरा है चीखता चिल्लाता चिंगाड़ता हुआ भागा चिंगाड़ता समझते हाथी कभी हो अगर चिंगाड़ता हम लोग क्या जाने तो बहुत जोर से चीख रहा था ऐसा लगता है कि गर्दन कट गई है और आखिर में जा करके वापसी में ये मर गया था हालांकि सिर्फ खराश लगी थी डर और यकीन नबी ने मारा है बच नहीं सकता हूं मैं वो गर्च आपको नबी बहसे नबी इकरार नहीं कर रहे थे लेकिन उनको यकीन था कि यकीनन ये सच है सच्चे कई ऐसे वाकयात हैं तो ये शख्स ऐसा था बदनसीब जिसको पैनबी अलैहि वसल्लम ने मारा था और ये मरा और चोट से ज़्यादा खौफ और यकीन से मरा है कि उन्होंने मारा तो मर ही जाऊँगा कहते हैं जब आदमी हिम्मत हार जाता है तो थोड़ी में इस काम हो जाता है इसका मामला वही था कि हौसला इसका पस्त हो अब तो मैं गया क्यों उन्होंने मारा है खिला खराशी लगी है तो क्या हुआ तो इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बदतरीन शख्स है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मारा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार ने जब देखा कि अब तो हम जीत गए जीती हुई कौम पहले नहीं भागती कौन पहले भागा था मैदान जंग से कुफार भागे थे लेकिन जाने से पहले कई बातें हुई हैं प्या नबी अलैहि वसल्लम के को उन्होंने मुखातब किया ललकारा आवाज़ दिया नबी करीम साल देखे वही मैं शुरू में जो बातें मैंने कही उसको इस वाकई में पूरा पढ़ूंगा चुनाचे जब वो जाने लगे उनको लगा कि अब मामला ख़त्म हो गया अब चलना चाहिए तो जबल पर अबू सफीन जो उस वक्त कुफरे की हालत में थे वो चढ़े और बाज़ बुलंद का क्या तुम में मोहम्मद हैं किसी ने कोई जवाब नहीं दिया उसने फिर कहा क्या तुम में अबू कहाफ़ा के बेटे यानी बकर हैं फिर किसी ने जवाब नहीं दिया उसने फिर कहा क्या तुम में उमर बिन खत्ताब हैं और फिर किसी ने कोई जवाब नहीं उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने से मना किया थोड़ा ठंडे रहें अब अबू सफिया ने कहा अच्छा चलो इन तीनों से फुर्सत हुई ये सुनकर हजरत उमर बेकाबू हो गए बोले ओ अल्लाह के दुश्मन जिनका तूने नाम लिया है वो सब जिंदा हैं और अभी अल्लाह ने तेरी रसवाई का सामान बाकी रखा है अबू सफियान ने कहा तुम्हारे मकतूल मकतूलिन का मसला हुआ है लेकिन मैंने ना उसका हुक्म दिया है और ना मुझे उसकी कोई परवाह है बुरा भी नहीं लगा है यानी यकीनन उस जंग में शहदा की लाश के साथ ये बेहमति हुई थी फिर उसने नारा लगाया उलु हुबुल यानी हुबुल, हुबुल बुलंद हो हुबुल की जय जै हो जयकारा जो बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जवाब सिखाया उन्होंने कहा अल्लाह अजल अल्लाह ही बुलंद है अल्लाह ही मुअज्जज़ है अल्लाह ही बरतर है अबू सुफियान ने फिर नारा लगाया लन उज्जा वला उज्जा लकुम हमारे लिए उज्जा है उज्जा अजीज से बुलंद के माने में आता है तो हमारे लिए उज्जा है उज्जा उनका बुत है जो अजीज से बनाया गया वला उज्जा लकुम और तुम्हारे लिए उज्जा नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब सिखाया और साहब कराम से कहा कहो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम ये कहो कि अल्लाह हमारा मौला है तुम्हारा कोई मौला नहीं उसके बाद अबू सुफियान ने कहा कितना अच्छा कारनामा रहा आज का दिन जंग बदर के दिन का बदला है और लड़ाई डोल है लड़ाई क्या है डोल है कभी इधर कभी उधर हजरत उमर ने कहा बराबर नहीं हमारे मकतूलन जन्नत में है तुम्हारे मकतूलन जहन्नम में अबूसुफियान ने कहा तुम लोग यही समझते हो लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम नाकाम और नामुराद रहे फिर अबू सफिया ने हजरत उमर को बुलाया और कहा उमर मैं अल्लाह का वास्ता दे के पूछता हूँ क्या हमने मोहम्मद को कदले कर दिया हजरत उमर ने कहा वल्ला नहीं और इस वक्त वो तुम्हारी बातें सुन रहे हैं तो बहरहाल इस तरह का मामला हुआ कहा कि आइंदा साल फिर बदर में मुलाकात होगी ये पूरा वाक्य अगर आप देखिए कि किस तरीके से नबी किर वसम ने हालात पर कंट्रोल रखा साहब इक्राम काम रोक दिया कोई जवाब मत दो अभी क्यों इसलिए कि थोड़ा हालात नॉर्मल हो जाए अपने मुसलमानों को थोड़ा सुस्ताने का मौका तो मिल जाए उनके बोलने से कुछ नहीं होता तो जज्बात में जवाब देने से आपने अवन रोक दिया फिर जब जरूरत पड़ी और खतार जब बोलना शुरू हुए तो जहां 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 ज़रूरत पड़ी वहां वहाँ आपने जवाब भी सिखलाया उस जवाब में एक चीज़ कहते हैं जय श्री राम बोलते हैं ना फला फला ना वो अपना नारा लगाते हैं हमको क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर अगर मामला ऐसा है कि तनाव पैदा हो सकता है तो खामोश रहो हमारा लाभ बुलंद है उनके उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं लेकिन जहां मामला ऐसा है कि वहां बर्तरी साबित करना है तो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया कि कहिए अल्लाह अला वल अल्लाह अला वाजल उन्होंने कहा हमारे पास फ़ला फ़ला है अल्लाह रब्बुल अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये कहो कि अल्लाह मौलाना वला मौला लकु हमारे पास हमारा मौला अल्लाह है तुम्हारे पास कोई नहीं ये जरा समझने की ज़रूरत है कि कब इसकी ज़रूरत पड़ेगी कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए हिंदुस्तान का जो माहौल है इन नारों की वजह से तनावपूर्ण बना हुआ है नारों की वजह से वो एक नारा लगाते हैं तो मुसलमान भी एक, एक नारा लगा देता है सवाल क्या यहाँ उसकी ज़रूरत है या नहीं ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है अगर हमारे इस तरह के कहने से मामला हल हो सकता है तो यकीनन हमें भी नारे तकबीर अल्लाह पर लगाना चाहिए लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि इससे मुसलमानों को नुकसान हो सकता है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए सब्र कीजिए उनके इनकार करने से अल्लाह रबुल आलमीन की बुजुर्गी में कोई कमी आने वाली ये समझने की ज़रूरत है कभी कभी मुसलमानों के हौसले को बुलंद करने के लिए भी नारा लगाया जाता है लेकिन कब ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है कि जो नारा लगवा रहा वो समझे इस बात को कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है जहाँ हकीकी मानों में हक बातिल का मामला हो यकीनन ये नारा हमें हौसला देता हिम्मत देता है लेकिन सिर्फ सियासत के लिए वोट हासिल करने के लिए नारे तकबीर अकबर कहना दुरुस्त नहीं है कतान दुरुस्त नहीं बाज लीडरान हैं जो अपनी तकरीरों में नारे तकबीर अल्लाह वो कहते हैं जय फला तो ये भी ये नहीं हो सकता है जाहिर सी बात है वो एक सियासी मफाद है उसके लिए काम हो रहा है ऐसा नहीं कोई दीन इस्लाम के इशात के लिए मामला हो रहा है ऐसा भी नहीं है को आ जाएंगे तो एकदम दीन छा जाएगा या उसके लिए कुछ कोशिश भी कर लेंगे नहीं एक तरफ कहते हैं कि हम एकदम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ धर्म को भी बीच में लाते हैं दीन को भी बीच में लाते हैं ये बहुत खतरनाक मामला है कि लोगों ने अपने मफाद के लिए दीन का इस्तेमाल किया है दीनी कलमात का इस्तेमाल किया है होना क्या चाहिए दीन के लिए दीन का इस्तेमाल किया जाए जाति मफाद के लिए नहीं और जहां जहां लोगों ने अपने मफाद के लिए दीन का इस्तेमाल किया है वहाँ वहाँ कौम डूब गई है कुछ लोगों ने तिजारत के लिए दीन का इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशा माशाल्ला। कुछ लोगों ने सियासत के लिए किया जब हम सेकुलर बनते हैं और वाकई हिंदुस्तान में वही एक माहौल है वही सही चल रहा है तो सबको लेके चलना होगा ना अब हम कहते हैं हमारे साथ फ़ला फला भी हैं और अब हम नारे तकबीर अल्लाह मेरा सवाल है कि हम किसी भी पार्टी के साथ रहें और जब वो जय श्री राम लगाएगा तो हमारा दिल वहाँ लगेगा कभी तो नहीं लगेगा हम तोड़ के चल देंगे या फंस गए हैं अगर बहुत दबाव प्रेशर निकल नहीं पा रहे हैं आइंदा तो नहीं आएंगे तो ऐसे उनका भी मामला है कितना भी आप उनको समझाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन जहां नारे तकबीर अल्लाह अकबर हुआ आज तो आ गए आंदा देखेंगे फिर आप बोल रहे हो हम सेकुलर हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं सबको साथ चलते हैं बोलने से नहीं होता है 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 वो चीज़ असर कर जाती है। तो ज़रूरत ये नारा बुलंद करना दुरुस्त है और जहां जरूरत नहीं है जहां मुसलमानों को नुकसान हो सकता है वहां सब्र करने की जरूरत है एक बात जो उन्होंने कहा अब सुफियान ने कहा कि हम तो जीत गए कहा ना ऐसी बात नहीं है हमारे जो मकतूलन है वो जन्नत में तुम्हारे जहन्नम में ये सबसे बड़ी कामयाबी ये दुनिया है ना मरना है चाहे बिस्तर पे मरो चाहे मैदान जंग में मरो कामयाबी है असल तो वहां की कामयाबी वो तस्लीम करे ना करे वो मजाक उड़ाते हैं बाज़ बदब्त ऐसे भी हैं मुसलमानों के साथ मॉबलिन किया और ये कहते हुए किया कि इसको सत्तर हुरों के पास भेज दो ढूंढ मजाक उड़ा इसका लेकिन हमें उसमें कोई वो नहीं है यकीन इन शाह वो सत्तर हूरों के पास जाएगा यानी जन्नत में जाएगा और इस पर हमें फख्र होना चाहिए ये अपनी कामयाबी समझना नाकामी नहीं समझना चाहिए लेकिन मामला दीन के लिए होना चाहिए दीन के लिए अगर जान जाती है तो जाने दीजिए कामयाबी तो उन्होंने तो मजाक उड़ाया था लेकिन कुफार ने मजाक नहीं कुफार भी चाहते हम जन्नत में जाए इसलिए कहा उन्होंने कि अगर ऐसा है कि मेरे मकतूलन जहन्नम में जाएंगे तुम लोग तो ऐसा सोचते हो अगर वाकई ऐसा हुआ तो खसारे की बात है तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये तमाम मामला हुए और बहुत सारी इबरत नसीहत की बात मिली है आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरत तैयबा एक नमूना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया लकदकार फिर रसूल उसवत हासाना किल्ला के नबी सल्हु वसलम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक नमूना मौजूद है कि कैसे आप ज़िंदगी बसर करें और उसमें बतलाया गया कि पूरे आप सीरत पढ़ते जाइए तो आपको ये दिखेगा कि आप किसी भी मैदान में काम कर रहे हैं तो रहनुमाई मिलती कि अल्लाह के, के नबी ने ये काम ऐसे किया है या इस काम को ऐसे करने का हक दिया है उसी में से न घरेलू हालात हैं उसको भी देख लीजिए अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है सियासत भी अल्लाह के नबी किया है तिजारत ने भी अल्लाह के नबी ने किया है जो कुछ देखिए हर जगह दिखता है कि वाकई अल्लाह के नबी ने ऐसा किया हमको ऐसा करना चाहिए फ़तह मिलती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल वसलम का क्या है वो भी सामने आया सवाल ये है कि जब नमूना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है और मुसलमान दुनिया के अंदर है और किसी से मुकाबला होगा तो कोई यकीनी तो नहीं कि हर जंग जीत ही जाएंगे वो ज़रूरी है कि हर मैदान में हम कामयाब हो जाएं, मुमकिन है बहुत सारे हालात पैदा हो सकते हैं इसबाब पैदा हो सकते हैं कि हम हार जाएं, हम हमें नुक़सान उठाना पड़े हमें खसारा उठाना लोग हमारा मजाक उड़ाएं, फिर उसके बाद उसके लिए नमूना कहाँ से लाएंगे कि अब क्या करें मेरी सवाल समझ रहे हैं ना दुनिया के अंदर हम आए हैं और बहुत सारी जगह हमारा मुकाबला है दुश्मनों से भी है तिजारत के मामले भी है सियासत के बहुत सारी जगह मुकाबला है और हार जीत होती है जब जीत जाए कामयाबी मिल जाए तो कैसे रहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमूना मौजूद है लेकिन अगर हार जाए तो उसके लिए नमूना कहाँ से आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको हमारे लिए एक नमूना बना दिया है कि आइंदा मुसलमानों के साथ कभी भी इस तरह का मामला आए तो वो कैसे सबर करेंगे कैसे हैंडल करेंगे एक शिकस्त खोरदा कौम जो हारी हुई है जिसको नुकसान हुआ है वो दोबारा कैसे उभर सकती है वो जंगी ओहद के बाद के मराहल से तय कर ले कैसे हमको निकलना है अल्लाह ने फरमाया कि फला तो उससे पहले अल्लाह फरमाया गम ना करो फला इन यम सस कुम कर हुन फ़ाकद मस्सल कव मकर हुम मिथलो वतिल कल अय्या मनोदाविलु नास कामयाबी तुम्हारे लिए अगर हकीकी मानुम मोमिन हो ये शिकस फतह ये सब आती रहेंगे लेकिन आखरी अंजाम क्या है मोमिनों के लिए फतह है ये याद रखिए इन यम सस अगर आज आपको जख्म लगा है तो उनको भी तो लगा है वतिल कल अय्या मनोदाविलु और अयाम को हम लोगों के दरमियान घुमाते रहते हैं आज यहां, कल वहां। आज कल ये खुश हैं तो कल और इसके पीछे इसबाब होते हैं वतील कल अमन दाविल्हाबे और अल्लाह क्यों इन हालात से दो चार करता है उसके पीछे भी इसबाब हुआ करते हैं ताकि हम गुरूर में ना आए घमंड में आए तकबर में ना आए तो ये एक तरीके से नुक़सान जिस जंग के अंदर हुआ है मुसलमानों का ये भी हमारे लिए नमूना है बल्कि मैं ये कहूँ कि अब मैंने कहा तो वो नुकसान हमारे लिए ने नेमत बन गई है लेकिन वो जो जो, जो नतीजा आया है उसके बाद आज हमारे लिए नेमत है वो जंग कि आज इन हालात में हम उसको देख करके हम नसीहत हासिल करते हैं कि हमको इन हालात से कैसे निकलना है क्या नबी सल्हु वसलम ने क्या गाइड किया है अल्लाह रबालमीन ने मुसलमानों को जंग वहद के बाद किस तरीके से हौसला दिया है वो आयत नंबर 120 से लेकर एक 175 तक पढ़ने की बात है आखिरी बात है वक्त मुकम्मल हो गया मेरा नबी करीम सल वसम की शहादत की अफवाह उड़ गई थी लोग परेशान हो गए थे कुछ लोगों ने एकदम हथियार हथियार रख दिया था अब क्या है बचा ही क्या है अल्लाह तय करीमा नदर फरमाई बताइए कौन सी आयत करीमा <गणागा> वामा मोहम्मद रसूल कद खलतुलफ इमांचातरब तुम अलाब आलाब्लाहम्मद सल वसलम अल्लाह के रसूल और इसके पहले जितने भी रसूल आए सब गुजरे अफ इमा चा औतरन कलब तुम अगर वो उनको मौत आ जाए या उनको कदले कर दिया जाए तो क्या तुम पलट जाओगे छोड़ दोगे और अपने पुराने दिन पे चले जाओगे अगर ऐसा किए तो फिर अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करना ठीक इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नबी करीम वसल्लम की शहादत की अफवाह उड़ी दर हकीकत अगर आप देखेंगे तो आगे चल कर के मुसलमानों के लिए वो आयत करीमा तसल्ली का सबब बनी है ऐसा हो सकता है कि नबी की भी शहादत हो सकती है और उस मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल हो गया और तो उमर यकीन नहीं हो रहा था इंतकाल हो गया उस मौके पर एक सहाबी रसूल आए उन्होंने कहा वमा मोहम्मद कौन थे वो उसके बाद तमाम सहाबा करमा मोहम्मद यही आए थे करीमा सबकी जबान पर अल्लाह रब्लम ने वहाँ से पहले से जहन बना दिया था कि नबी को मौत आ सकती है और दलील ये है। और आखिर में वही चीज़ दिल इन पूरा वाक़्य अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अल्लाह रबालमीन जो करता है चाहे हमारे निगाह हमें अच्छा हो या बुरा लेकिन सब के अंदर खैर होता है आसान तकर होश हूँ हुआ ख़ैरक़म व आसान तो हिब्बूश व हुआ शरल जिजाक फ़िक